everyone, my name is Kriti and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CLAT PG के बारे में. मैं जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ वो यहाँ पे मेंशन्ड है. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं prepwithkriti@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. नाउ विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, CLAT PG क्या होता है? CLAT PG is Common Law Admission Test for Post-Graduation. ये entrance examination है जिसके basis पे आपको admission मिलता है अलग अलग national law universities में आपकी rank के basis पर. ये examination CLAT consortium conduct करवाता है और CLAT 2021 13 June 2021 को scheduled है from 2 PM to 4 PM. Question number 2, CLAT PG की eligibility क्या है? So, एक LLB डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसमें जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI इनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए अगर कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करता है. जो स्टूडेंट्स अप्रैल या मई 2021 में अपने फाइनल ईयर में होंगे, फिफ्थ ईयर में होंगे, वो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए. CLAT 2021 में कोई अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, इसलिए अगर आपने 2 साल पहले भी LLB कंप्लीट किया हो तब भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं. और इन केस किसी 2 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं एग्जामिनेशन में तो 2 चीज़ें कंसिडर की जाएंगी. सबसे पहले हायर एज, ए कैंडिडेट अगर बी कैंडिडेट से बड़ा है और उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो ए कैंडिडेट को एडमिशन मिल जाएगा, और सेकेंडली अगर एज भी सेम है तो कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा. क्वेश्चन नंबर 3, CLAT PG की एप्लीकेशन फीस कितनी है? सो फॉर जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस है 4,000 रुपीज, और SC/ST BPL कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 3,500 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? सो इसमें 150 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं जो कि आपको 2 आवर्स में करने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 essay टाइप क्वेश्चन होंगे 25-25 मार्क्स के. 800 वर्ड्स आपको पर ऐसे लिखना है और ये 50 मार्क्स हो जाएगा, तो ऐसे आपके 150 मार्क्स का पेपर आएगा और 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, सिलेबस क्या है एग्जाम का? सो इसमें 2 सिलेबस बताए गए हैं. एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, और अदर एरियाज ऑफ लॉ सच एज जूरिसप्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, Environmental law and labor and industrial law. Question number 6, courses offered. So हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज मिल रहा हो लेकिन आपको वहाँ पे वो सब्जेक्ट ना मिल रहा हो जिसमें आपको अपना स्पेशलाइजेशन करना है मास्टर्स में. जैसे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट करना था, और कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पे ये कोर्स ऑफर ही नहीं होता था. तो आपको जब एक बार आपका कॉलेज मिल जाएगा तो आप वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे वो स्पेशलाइजेशन ऑफर होता है जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना है या नहीं. बट इन जनरल मैं आपको 4 स्पेशलाइजेशंस बता देती हूँ जो कि मोस्टली ऑफर होते हैं: क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, IPR और कॉर्पोरेट लॉ. पॉइंट 7, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CLAT PG. तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए 4 पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने ध्यान में रख सकते हैं अपनी प्रिपेरेशन को लेकर. पॉइंट नंबर 1, 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको लेके बैठिए और एनालाइज करिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर CLAT कंसोर्टियम ने ही सेटअप किया था. उससे पहले क्या होता था, हर कॉलेज क्वेश्चन पेपर्स बनाता था, तो आपको समझ में आने लगेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस पेपर के पढ़ने के लिए. पॉइंट नंबर 2, आप जितने जजमेंट्स पढ़ सकते हैं उतने जजमेंट्स पढ़िए, क्योंकि ऑब्वियसली अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो मोस्टली जजमेंट से ही आते हैं. जब आप एनालाइज करेंगे पुराने 2 साल के पेपर्स को तो आपको समझ में आ जाएगा. और उसके बाद आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप ये सारे नोट्स लिख सकें ताकि एंड में आप आसानी से सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 3, आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए. अगर आप 3-4 मंथ्स भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 3-4 आवर्स डिवोट करेंगे हर दिन का, तो भी आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे. पॉइंट नंबर 4, आप जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए एग्जामिनेशन तक. एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी, जितनी भी लीगल वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि लाइव लॉ, लीगली इंडिया, SCC ऑनलाइन, बार एंड बेंच, इस पे जो भी न्यूज आती है, लीगल न्यूज आती है, वो किसी केस से रिलेटेड होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हो इन वेबसाइट्स पे, वो जो जजमेंट्स होंगे उसमें वो आप जरूर रीड करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं.
That's all for today. I hope you like this class. If you did, please subscribe to the channel. And अगर आपको कोई भी doubt है इन सारे points के अलावा भी, तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं या फिर मुझे mail कर सकते हैं. And I will see you in the next class.